तो इस केस में क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का एक डीएनए के अणु को, पहली बात कि डीएनए का जो आप उस समय ताल्लुक लगे, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो, कि एक विशेष सेल है वो, तो सेल का कई सौ गुना बड़ा उसका डीएनए होता जो है वो डीएनए होता है, लेकिन डीएनए इतना बड़ा होने के बावजूद कैसे सेल में समाता होगा जो है। तो वास्तव इसमें क्या होता है, इसमें इतनी बार क्वाइलिंग हो जाती है, क्वाइलिंग हो करके कई बार माने एक के ऊपर एक, एक ऊपर एक क्या होता है, क्वाइलिंग हो करके ए तब सेल में समाता है वो, इसको सुपर क्वाइलिंग बोलते हैं जो है। अब सुपर क्वाइलिंग को माने क्या मतलब कि इस सुपर क्वाइलिंग को कंट्रोलिंग नियमन करने के लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है, और उस एंजाइम को बोलते हैं टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज एंजाइम कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये चिल्ड्रंस। इसमें क्या होता है कि एक टोपो आइसोमरेज एंजाइम जो होता है ये इसके माने सुपर क्वाइलिंग को कंट्रोलिंग करने का ये काम करता जो है। अब आती है कि जो टोपो आइसोमरेज एंजाइम होता है ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है टोपो आइसोमरेज फर्स्ट और सेकंड होता है टोपो आइसोमरेज सेकंड होता है। बच्चों इसमें माने कि एंजाइम ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टोपो आइसोमरेज फर्स्ट एंजाइम और सेकंड होता है टोपो आइसोमरेज सेकंड एंजाइम होता है। तो लेकिन अब आती है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है और दोनों का वर्क क्या होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे मान लीजिए कि डीएनए का डबल हेलिकल है, ये देखिए डीएनए का डबल हेलिकल हो गया और यहाँ पर जैसे हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर एडिनिन हो जाएगा, यहाँ पर थायमिन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑक्सीराइबो सुगर होता है, यहाँ पर फास्फेट होता है, फास्फेट जिसको फास्फोरिक एसिड बोलते हैं। तो टोपो आइसोमरेज एंजाइम जो होता है वह एक स्टैंड के फास्फेट से लग लेता है, माने टोपो जो फर्स्ट वाला एंजाइम होता है, टोपो आइसोमरेज जो फर्स्ट एंजाइम होता है वह एक स्टैंड के फास्फेट से लग करके निक माने कटाव उत्पन्न करता है, वो निक उत्पन्न करता है वो, और इसके बाद यही एंजाइम जो होता है जब इस फास्फेट से अलग हो जाता है तो इस क्वाइलिंग को बंद भी कर देता जो है, माने दोनों में काम करता जो है, एक तो क्वाइलिंग को खत्म भी करता है वो, और क्वाइलिंग को क्या करता है माने निक कटाव उत्पन्न करके निक को निक करके निक उसको निक बोलते हैं, यानि आईसी के निक कहलाता है वो, निक उत्पन्न करके माने कटाव उत्पन्न करता है, और कटाव उत्पन्न करके जो होता है इसको खोलता जाता है वो, और फास्फेट से फिर जुड़ जाता है और तो निक उत्पन्न करेगा। इसके बाद जब फास्फेट से अलग हो जाता है तो ये क्या कार्य करता है कि ये जो होता है इस निक को माने कि फिर क्वाइलिंग में हेल्प करता है, माने कटाव को बंद भी कर देता है, ये तो काम टोपो आइसोमरेज फर्स्ट एंजाइम करता है। अब आती है टोपो आइसोमरेज सेकंड एंजाइम जो होता है वह जो होता है वो भी टोपो आइसोमरेज फर्स्ट के समान वो भी काम करता है, लेकिन जो टोपो आइसोमरेज सेकंड एंजाइम होता है वह एक सूत्र पर नहीं, वो दोनों सूत्रों पर एक साथ निक को उत्पन्न करता है। टोपो आइसोमरेज सेकंड जो होता है एक साथ जो होता है यह दोनों पर माने इस पर और इस पर कटाव को उत्पन्न करता जो है वो, और एक क्या करता जो है वो, और इनका ये सुपर क्वाइलिंग माने बड़ा कुंडन भी करता जो है वो। तो ये बात किसकी होती है, ये बात होती है डी क्वाइलिंग एंड री क्वाइलिंग ऑफ द सुपर क्वाइल्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, जिसमें की मेन भूमिका जो होती है टोपो आइसोमरेज फर्स्ट और सेकंड होता जो है वो, क्योंकि इतना सुपर इसमें क्वाइलिंग होती है कि निक उत्पन्न करना जरूरी होता है, और निक उत्पन्न करने के लिए माने खोलने के लिए जो होता है यह एंजाइम बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन इसमें आता है, इस केस में नेक्स्ट पॉइंट अनबिंडिंग एंड मेल्टिंग ऑफ अनबिंडिंग एंड
मेल्टिंग ऑफ डबल हेलिक्स, तो अनबेंडिंग एंड मेल्टिंग, जैसा कि नाम से बताया जा रहा जो है वो अनबेंडिंग एंड मेल्टिंग, तो इसे मेल्ट मतलब कि मेल्ट मतलब होता पिघलना होता है, और अनबेंडिंग मतलब होता जो है वो मान कि अनबेंड कर जाना। अच्छा, इस केस में क्या होता है, रिप्लिकेशन ओरिजिन, इसकी साइड हड्डी का चीज है रिप्लिकेशन ओरिजिन, और इसकी हिंदी होती है द्विगुणन उत्पत्ति। तो असल में अगर हम रिप्लिकेशन ओरिजिन की बात करते हैं तो शुरुआत होता है सबसे मुंद्रा किंगडम में, वो तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया माने बैक्टीरिया जो होते हैं, जिसे ई कोलाई बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो चूंकि सिंपल टाइप होता है और इसमें इसका जो डीएनए होता है उसकी टोटल लंबाई 1.7 एमएम होती, पहली बात तो जो है इतना एमएम होता जो है, और यह सिंगल और सर्कुलर तथा हाइब्रिड होता है, तथा इसको हम जीनोफोर कहते हैं, माने कि नॉर्मल क्रोमोसोम नहीं होता है वो, क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन का माने इसमें अभाव होता है, इसको हम जीनोफोर कहते हैं। अब आती है कि जो इसमें रिप्लिकेशन जो ओरिजिन होता है और इग्योर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर डीएनए भी बोलते हैं, न्यूक्लियर डीएनए कहलाता है वो, और इसको हम जीनोफोर बोलते हैं। तो जो रिप्लिकेशन ओरिजिन इसमें होता है, रिप्लिकेशन ओरिजिन, उसको ओरिसी बोलते हैं, ओरिसी कहलाता है वो। तो ओरिसी का फुल फॉर्म होता है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, माने ओरिसी। तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं, चूंकि सिंपल टाइप होता है और इसलिए इसमें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन जो है सिर्फ एक ही होता है, वो सिर्फ जो होता है एक ही होता है वो, और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओरिसी कहलाता है, और ओरिसी का फुल फॉर्म होता है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं, माने कि जहां पर शुरुआत होती है रिप्लिकेशन की उसको हम ओरिसी या ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन बोलते हैं वो। अब आती है कि बैक्टीरिया में जो होता है यह रिप्लिकेशन जो प्रोसेस होती है वह 50 माने एक मिनट में 50,000 नाइट्रोजन बेस की क्षमता के अनुसार जो है यह लगभग एक घंटे में जो है रिप्लिकेशन पूरा हो जाता है वो। लेकिन अब आती है कि क्योंकि सिंपल टाइप होता है वो, किंतु अगर हम बात यूकैरियोटिक करते हैं तो यूकैरियोटिक जो ये तो खैर बात रही प्रोकैरियोटिक कोशिका की रही, प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, उस समय में तो एक घंटे में जो है वो रिप्लिकेशन पूरा हो जाता है। और जो डीएनए होता है जो है वो जहां पर रिप्लिकेशन शुरू होता है वो, और वहीं पर एक ऐसा माने रिप्लिकान बन जाता है वो, यहां से लेकर यहां तक इसको क्या बोलते हैं, इसको रिप्लिकान बोलते हैं वो। तो रिप्लिकान क्या होता है वो, रिप्लिकान वह पॉइंट होता है जहां से ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होती है वो, माने यह एक मूल बिंदु होता जो है वो, इसको रिप्लिकान बोलते हैं वो। तो बैक्टीरिया में सिर्फ एक रिप्लिकान होता जो है वो, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें हजारों माने डीएनए में हजारों छोटे छोटे रिप्लिकान पाए जाते हैं वो, जहां पर कि डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन प्रोसेस संपन्न होती है। तो मतलब कुल मिलाकर के जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें चूंकि रिप्लिकान एक होता है वो, और एक घंटे में ये रिप्लिकेशन जो होता है पूरा हो जाता है वो। किंतु जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें ये जो होता है कई रिप्लिकान होते हैं, हजार रिप्लिकान होते हैं, और ये प्रोसेस जो है लगभग 5 से 6 घंटे में माने 5 to 6 आवर्स में जाकर के
रिप्लिकेशन जो है वो पूरा होता है वो, क्योंकि इसमें कई रिप्लिकेशन होते हैं और इतना जैसे ये यहां से लेकर यहां तक जो पॉइंट का रहता है ये तो रिप्लिकेशन हो गया, और ये जो पोर्शन होता है इसको हम रिप्लिकेशन बबल बोलते हैं, ये जो पॉइंट का रहता है इसको हम कहते हैं रिप्लिकेशन बबल, रिप्लिकेशन बबल का रहता जो है। अब आती है कि जो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है इस केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ए डीएनए हो गया, ये देखिए तो यहां पर जहां से शुरुआत होती है ए पोर्शन शुरुआत होती है इसको बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहलाता है। ए पॉइंट हो गया इसी पॉइंट होता है वो। इसके बाद क्या होता है कि दोनों स्टैंड ये देखिए यहां पर ये देखिए इस तरह से एक बबल टाइप बन जाता जो है, ऐसे बन जाता जो है। इसके बाद क्या होता है यहां से जैसे यहां पर रिप्लिकेशन ओरिजिन हो गया यहां पर भी हो गया, तो ये जो ओरिजिन रिप्लिकेशन होता है तो यहां से लेकर यहां तक एक स्टैंड बन जाती है, इसका डायरेक्शन 5 times thrice time होता जो है। और ये जो होता है इसको हम लीडिंग स्टैंड बोलते हैं, ये जो है इसको हम लीडिंग स्टैंड कहते हैं ए वाला पोर्शन जो है। और इसके पीछे पीछे जो होता है इसके पीछे जो पीस पीस में फ्रेगमेंट बनते जो है, और जो पीस पीस बनते हैं उसको कहते हैं ओका जाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, ओका जाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तो चिल्ड्रन ओका जाकी फ्रेगमेंट्स की खोज जो है हमारे पीस में होता है, और इस पीस की जो डायरेक्शन होती है वह भी 5 times thrice time ही होता जो है। तो इसमें क्या होता है एक साइंटिस्ट थे आरसी ओकाजाकी, तो आरसी ओकाजाकी ने जो है वो इसकी खोज किया था, तो इसलिए इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं जो है वो। रिजी ओकाजाकी इसकी खोज किया और इसीलिए इसको हम ओकाजाकी इसकी खोज किया इसलिए इसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। इसी प्रकार से इधर क्या हो जाएगा, इधर ये देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं लीडिंग स्टैंड हो जाएगा। और इसके बाद यहां पर पीछे पीछे जो है इसके पीछे पीस में जो होता है डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनते जो है, और इस फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं इसको कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। फिर क्या होता है कि ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के यहाँ पर पीछे यहाँ पर क्या होते हैं आरएनए प्राइमर होता है, और यह फिर अंत में पीस क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, माने कुछ इस टाइप से हो जाता है वो, जैसे यहाँ देखेंगे इस टाइप से ऐसे यहाँ से हो जाएगा इस टाइप से हो जाता है वो, और फाइनली जो होते हैं ये अनफाइनली ये सब अटैच हो जाते हैं जो है अटैच, इसे यहाँ से यहाँ भी हो जाएगा यहाँ से इधर जुड़ जाते हैं ये जुड़ जाता है वो, ये हो जाएगा थ्राइस टाइम इधर हो जाएगा फाइव टाइम थ्राइस टाइम, इसको बोलते हैं फर्दर सिंथेसिस कहलाता है वो। फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है कि इसके बाद रिप्लिकेशन जब बढ़ता चला जाएगा उसी के अनुसार ये जो होती है चिल्ड्रंस, इसमें निश क्या होता है इस केस में आगे इसका जो होता है इसकी लेंथ बढ़ती चली जाती है, जैसे मान लीजिए यहां पर ऐसे बढ़ती चली जाएगी इस टाइप से, उसके अनुसार जो होता है ये भी बढ़ता हुआ जो है वो चला जाता है, इसलिए इस टाइप से ऐसे दिखाई पड़ेगा इस टाइप से, ये देखिए इस टाइप से ऐसे, तो इसमें हो जाएगा थ्राइस टाइम फाइव टाइम हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाता है वो कि फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो जाएगी, जब फिर दोनों अटैच हो जाएंगे वो, तो इसका स्टैंड ए वाला हो जाएगा
थ्राइस टाइम हो जाएगा फाइव टाइम, और इसका न्यू स्टैंड ए वाला बन जाता है जो है, माने यहाँ पर एडनिन, यहाँ पर थाइमिन, यहाँ पर ऐसे जो है बेस बन जाएंगे जो है वो इस टाइप से बेस बन जाएंगे ऐसे इस टाइप से। इसका हो गया यहाँ पर एडनिन थाइमिन फिर गुआनिन साइटोसिन थाइमिन एडनिन माने बेस हो जाएगा। इसके बाद नीचे इसका हो जाएगा ये इधर हो जाएगा फाइव प्राइम थाई साइन हो जाएगा, फिर इसके बाद इसका थाइमिन गुआन साइटोसिन गुआनिन एडनिन थाइमिन यहाँ पर साइटोसिन एडनिन यहाँ पर थाइमिन माने पूरा से बेस बन जाएंगे जिस इसमें है वो। और इस प्रकार से जो होता है यहाँ पर ये हो जाएगा थाइस टाइम, ये हो जाएगा फाइव टाइम फिर थाइस टाइम और ये हो जाएगा थ्राइस टाइम और फाइव टाइम। इस प्रकार से देखेंगे तो डीएनए माने ये हो जाएगा ओल्ड स्टैंड, ये ओल्ड स्टैंड हो जाएगा और ये दोनों माने एक क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ओल्ड स्टैंड और ये हो जाएगा ओल्ड स्टैंड और ये दोनों क्या हो जाएंगे ये दोनों हो जाएंगे न्यू स्टैंड हो जाएंगे। और इसके बाद फाइनली जो होता है इससे जो होता है माने कि दोनों स्टैंड हो जाएंगे जो है वो, तो इसे इसको क्या बोलते हैं माने क्या कहलाता जो है वो डीएनए का इसमें रिप्लिकेशन हो जाता है। तो ये तो रही इसकी जो होती है वो माने कि एक प्रोसेस होता है वो सब्सटेंस प्रोसेस है वो, इसके बारे में फिर हम बच्चों लेटर डिस्कस करेंगे इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं फिर कौन कौन से इसमें प्रोसेस होते हैं। बच्चों इसको शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, थैंक यू। चूंकि ये परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है चाहे बोर्ड हो चाहे नीट पेपर हो हमेशा इसको पूछते हैं वो, इसलिए इसको जो है वो बढ़िया पढ़िएगा। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से इसका मेल्टिंग होता है और किस कौन कौन सी इसमें एंजाइम जो होता है वो पार्टिसिपेट करेंगे।